नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। बीते दो दिनों से दिल्ली में हो रही बरसात ने एक बार फिर प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। रोहिणी सेक्टर 23-24 की रेड लाइट पर मुख्य सड़क धस कर नीचे आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि यह राजधानी की मुख्य सड़कों में से एक है जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है। फिलहाल गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग करके सड़क को बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लगातार हो रही बरसात से टमाटर के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ राज्य में बरसात के बाद टमाटर की फसल लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण आजादपुर मंडी में टमाटर के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि अन्य राज्यों से आजादपुर मंडी में टमाटर की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं और यह भी टमाटर के दाम में बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण है। व्यापारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले टमाटर के भाव इस कदर गिरे थे कोई भी टमाटर खरीदने वाला खरीदार नहीं था, लेकिन अचानक बरसात के बाद टमाटर के दाम बढ़ गए। यूपी के अमरोहा में शादी समारोह के कार्यक्रम में एक हादसा हो गया, जहां शादी में बैंड बजाने आए बैंड की ठेली हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। इसके बाद ठेली में करंट उतर गया। इस हादसे में एक बैंड बजाने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दो साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उधर सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धान खरीदी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार अपने दम पर करती है। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेता तक सब चिंदी चोरी के बयानबाजी कर रहे हैं। संचार प्रमुख ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जानता है कि धान खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पर करती है। पिछले 4 सालों में भूपेश सरकार ने 1,70,000 करोड़ किसानों पर खर्च किया है, यह हमारी उपलब्धि है। संचार प्रमुख ने कहा कि 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ फैसले को लेकर बीजेपी बौखला गई है। संचार प्रमुख ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो कांग्रेस के लिए शुभंकर है, वो पिछली बार आए थे, बोले थे 65 सीट भाजपा की आएगी और 68 सीट हमारी आएगी। तो निश्चित तौर पर जब अमित शाह यहाँ पे आएंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बात दहाई के आंकड़ों को भी नहीं पार करेगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल की सरकार ने महिला, बच्चे, पुरुष सभी वर्गों के लिए काम किया है। भूपेश बघेल की सभी योजनाओं को लेकर प्रदेश के 50 लाख घरों में युवा कांग्रेस भूपेश है तो भरोसा है कि अभियान के तहत जाएगी। युवा कांग्रेस का एक फॉर्म के जरिए घरों में जाकर सर्वे करेगी। भूपेश बघेल की योजनाओं का यह सर्वे किस तरह से करना है, इसका प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में आज से शुरू हो रहा है। रायगढ़ लोकसभा से प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। सरकार की योजना ग्रामीणों के लिए अलग है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, लेकिन इस सर्वे का उद्देश्य है कि सरकार की इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को मिले। प्रशिक्षण के बाद युवा जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के सभी घरों में देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस भूपेश है भरोसा कैंपेन के नाम माध्यम से लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर 50 लाख घरों तक पहुँचाने का टारगेट किया गया है। ये हम ऑनलाइन भी जाएंगे और ऑफलाइन भी जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं को सर्वे के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे और उनसे मिस कॉल भरवाएंगे और साथ में विद आईवीसी ऐप के माध्यम से भी हम ये फॉर्म भरा सकते हैं। और हम लोगों ने नेताओं से अपील की है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस योजना के शुभारंभ में खुद यू कांग्रेस के लोग साथ जाएं। इसके प्रशिक्षण भी चालू हो चुकी है और जल्द ये प्रोग्राम जो है जनता के लिए लॉन्च हो जाएगा। सिलसिला यूँ जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।